हे फ्रेंड्स, फ्लाइट टेक चैनल में आपका स्वागत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, देखना ज़रूर इसको। इसमें क्या होता है कि आपकी पेन ड्राइव में कोई एरर आ जाता है या कुछ रिपेयर करना पड़ता है, कुछ करप्टेड हो जाती है या कुछ हो जाती है गड़बड़, उसको रिपेयर कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम पहले माई कंप्यूटर पर जाएंगे, दिस पीसी। उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, कि आपको डाउनलोड करना पड़े सॉफ्टवेयर और फिर रिमूव हो जाएगा। इस पर राइट क्लिक करना पेन ड्राइव पे और प्रॉपर्टी पे जाना। मेरी पेन ड्राइव में अभी कोई एरर नहीं है, इसलिए मैं सिंपल वे में फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिस ऑप्शन विल चेक द ड्राइव फॉर सिस्टम एरर, ये आपने पढ़ा टूल्स में, यहाँ पर चेक करना। यू डोंट नीड टू स्कैन दिस ड्राइव, क्यों? क्योंकि इसमें कोई एरर है ही नहीं मेरे। मगर अगर आपके एरर होता है तो आप क्या करना, स्कैन एंड रिपेयर ड्राइव पे क्लिक कर देना। स्कैन एंड रिपेयर करेगा और यहाँ पे अगर कोई एरर होता है फ्रेंड्स, वो हटा देगा, 100% श्योर हूँ मैं, वो एरर हटा देगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कोई आपकी रिपेयर करना होता है, कोई करप्टेड हो जाती है, तो ऐसा आप सही कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, पेन ड्राइव पे जाना है ज़्यादा, और प्रॉपर्टी पे जाना है। प्रॉपर्टी जाने के बाद टूल पे जाना है, टूल के बाद चेक पे जाना है। चेक के बाद जाने के बाद ये यहाँ पे बता देगा कि आपका एरर है नहीं है। अगर यहाँ पे एरर है तो आपको स्कैन करना पड़ेगा, ये यहाँ पे स्कैन करेगा, कोई गड़बड़ होगी तो वो कह देगा, और मतलब कोई एरर बता देगा और वो स्कैन करके ठीक कर देगा, वहीं पर हाथों हाथ रिपेयर कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा है, टूल पर जाके चेक करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी लोगों के पेन ड्राइव करप्ट हो जाती है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना ये चीज़। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। ओके बाय।